जस्ट मैंने कंप्यूटर रीस्टार्ट किया और प्रेस करना है डेल की, डिलीट की, डेल की प्रेस करना है आपको, कंटिन्यू डेल की प्रेस करिए। किसी किसी कंप्यूटर में F2 होता है, तो मेरे कंप्यूटर में इसमें डेल है। देखिए बायोस आ गया और अब यहाँ से देखिए पहला होता है इसमें, ये एक्चुअली बायोस जो होता है ये रोम के अंदर एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये जो होता है अलग अलग मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, जो मैं दिखा रहा हूँ यही सभी कंप्यूटर में आपको मिलेगा। इनफैक्ट आज के डेट में जो आप नए लेटेस्ट मदरबोर्ड आप लेंगे तो उसमें आपको UEFI बायोस मिलेगा, और पहले के बायोस जो आते थे लिगेसी, तो आप उससे और इसमें बहुत अंतर है। वो UEFI ज्यादातर आपको ग्राफिकल मोड में मिलेगा, ग्राफिकली आप सारा कुछ सेट करेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है उसका, राइट। तो यहाँ पे देखिए पहला है स्टैंडर्ड बायोस फीचर, जस्ट इस पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे दिखाता है कि प्राइमरी मास्टर, प्राइमरी स्लैब, सेकेंडरी मास्टर, सेकेंडरी स्लैब, अगर आपने हार्ड डिस्क, कितने हार्ड डिस्क लगा रखा, कितने DVD लगा रखा है, सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो अभी तक फिलहाल मैंने एक हार्ड डिस्क और लगाया हुआ है जो प्राइमरी मास्टर में आपको दिखेगा, और ये सभी नॉट डिटेक्टेड है क्योंकि मैंने कुछ भी इसमें लगाया नहीं है, ये सारे इंटरफेस अभी ब्लैंक है इसलिए नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये की हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर में अभी लगी हुई है, तो ये हमारा दिखाता है स्टैंडर्ड में। और इससे बाहर जाना तो एस्केप की प्रेस करना है, और फिर से आप देखेंगे एडवांस बायोस फीचर, इसमें आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ये देखिए दिखाता है CPU का कॉन्फ़िगरेशन, CPU के बारे में दिखाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट होता है बूट प्रायोरिटी, बूट डिवाइस प्रायोरिटी। यहाँ पे अगर बूट करना होता है तो पहले के डिवाइस में क्या होता है, बूट प्रायोरिटी हमें सेट करना पड़ता था, फर्स्ट बूट डिवाइस किससे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, फ्लॉपी से था या CD से या DVD से या पेन ड्राइव से, राइट। और आज के डेट में बूट प्रायोरिटी हमें सेट करने की जरूरत नहीं होती, जो भी बूटेबल आपका मीडिया रहता है वो ऑटोमेटिक बूट हो जाता है। जैसे आप अभी इन केस, मेरे केस में अभी मैं पेन ड्राइव जैसे मैं लगाऊंगा अपने कंप्यूटर में और जैसे कंप्यूटर को स्विच ऑन करेंगे ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, बूट हो जाएगा, यही बूटेबल बूट हो जाएगी, हमारी हार्ड डिस्क बूट नहीं होगी। बट पहले के मदरबोर्ड में क्या थी, ये फीचर नहीं था बायोस में, हमें क्या करना पड़ता, बूट प्रायोरिटी यहाँ से सेट करना पड़ता था, ठीक है। तो फर्स्ट बूट डिवाइस यहाँ पे देखिए, फर्स्ट बूट डिवाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेट करना रहता है, यहाँ दिख रहा है साटा ही, तो यहाँ पे पेन ड्राइव अभी लगाएंगे तो पेन ड्राइव आ जाएगा, स्कैन डिस्क या जो भी हमारा पेन ड्राइव रहेगा वो दिखेगा यहाँ पे, राइट। तो ये बूट प्रायोरिटी है और यहाँ से जो है और सारी सेटिंग है। फिर हम जाते हैं यहाँ पे एडवांस चिपसेट फीचर्स, इसमें कुछ खास हमें नहीं करना रहता है। और क्या करना था बायोस में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर कोई चेंजेस आपका हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया, तो आप क्या करो, यहाँ से लोड डिफॉल्ट सेटिंग आप कर दो, और यहाँ से तो क्या होगा, जो भी बाय डिफॉल्ट बायोस की सेटिंग होती है वो यहाँ से सेट हो जाती है। अगर कुछ डिस्टर्ब आपने कर दी बाय मिस्टेक या किसी ने कर दिया, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यस करेगा, ओके करो, ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो हमने कोई ऐसा गलत तभी नहीं कुछ सेटिंग किया है, तो हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर है बायोस के सिक्योरिटी फीचर है, जहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं। अब ये पासवर्ड जो होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर बेस होता है, एक नॉर्मल बेस होता है, तो आप यहां से सेट कर सकते हैं। अब बायोस सेट करने से क्या होता है कि कंप्यूटर में कोई सिस्टम लेवल कोई चेंजेस आपका नहीं कर पाएगा जब तक कि कोई बायोस सीमॉस की बैटरी नहीं निकाले। सीमॉस की बैटरी निकालने से ये क्या होता है, जो भी सिक्योरिटी, जो भी पासवर्ड लगा रखे हैं वो रिमूव हो जाती है, राइट। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है पर्सन के अंदर कि जो अगर हम सीमॉस बायोस को निकाल देंगे तो हमारी सारी पासवर्ड हमारे कंप्यूटर की रिमूव हो जाए, तो कंप्यूटर की सारी पासवर्ड रिमूव नहीं होती है। सीमॉस बैटरी अगर आप रिमूव करके शॉर्ट करेंगे कंप्यूटर को, तो उससे क्या होती है, हमारी इसकी पासवर्ड जो भी हम लगा रखे हैं वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और बाकी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पासवर्ड रिमूव नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ से पासवर्ड को हम सेट कर सकते हैं और बाकी सेव चेंजेस जो भी हमने सेव किया है और एग्जिट करके हम बाहर जा सकते हैं, या F10 बायोस में होता बाय डिफॉल्ट F10 प्रेस करो और इससे बाहर आप निकल जाओ बायोस से, राइट। तो ये ऐसे हम कुछ बायोस की सेटिंग करता है। इनफैक्ट अभी आज के लेटेस्ट मदरबोर्ड में लेटेस्ट जो फीचर्स आ रहे हैं उसमें हमें बायोस की सेटिंग ऐसे करने की जरूरत नहीं होती है, UEFI मोड रहता है। किसी ट्यूटोरियल में हम आपको उसके बारे में दिखाएंगे, जो ग्राफिकल मोड होता है पूरी तरह से और इजिली आप कर लेते हैं, राइट। तो यहां से हम सेव कर देते हैं जस्ट इसको,
इस कंप्यूटर में हम विंडो 10 इंस्टॉल करने जा रहे हैं। विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव हमारे पास है और स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम इंस्टॉल करते हैं विंडो 10। यहाँ पे आगे इंटरव्यू यहाँ सेटिंग करना है, आपको लैंग्वेज चूज करना रहता है, जोन सेट करना रहता है। ये अगर नहीं भी हम करते हैं डायरेक्ट हम आगे बढ़ेंगे तो बाद में सेट करना पड़ेगा, जब तक करेंगे नहीं तब तक इंटरनेट आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटर है आप यहीं पे सेट कर लीजिए, जस्ट क्लिक इंस्टॉल नाउ और यहां से शुरू हो जाएगा इंस्टॉलेशन। बहुत सिंपल सा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। ये होता है विंडो के लाइसेंसिंग की, प्रोडक्ट की जिसे बोलते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप विंडो कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप लाइसेंस है आपके पास की तो की यहाँ पे डालना है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आप जुगाड़ लगाना है, जो भी आप क्रैक करना है या जो भी करना है कहीं से डाउनलोड करना है तो उसके लिए तो हम सजेस्ट नहीं करेंगे। जो भी है आपके पास ऑप्शन, फिलहाल यहीं पे हमें डालना रहता है, ठीक है। अगर आपके पास की नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो आई डोंट हैव प्रोडक्ट की यहाँ से क्लिक करिए और ये आगे बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ट्रायल वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम हर एप्लीकेशन का ट्रायल वर्जन, तो उस ट्रायल वर्जन में आप यूज करके देख सकते हैं। तो हमने जस्ट यहाँ पे स्किप कर दिया उसको और आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे इसके एडिशंस को दिखा रहा है, कौन सा एडिशन आपको इंस्टॉल करना है, ये डिजायर एप्लीकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको करना है। तो मैं विंडो 10 प्रो कर रहा हूं और यहां से नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। यहां से लाइसेंस एग्रीमेंट एग्री करना होता है तो यस करना है यहाँ पे और आगे बढ़ जाना है हमें। और यहाँ पे आता है हार्ड डिस्क का ऑप्शन, यहाँ पे हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना है। अगर आपको विंडो नया इंस्टॉल करना तो कस्टम में जाना है, अगर इसको अपग्रेड करना रहता है तो फर्स्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है, तो वहां पे डायरेक्ट ये अपग्रेड हो जाएगी, जो भी विंडो 10 है तो 11 या विंडो जो भी है वो अपग्रेड करने के लिए। और सेकेंड ऑप्शन में आपका क्या आएगा, हार्ड डिस्क आएगी, वहां पे आप पार्टीशन बना के फिर नेक्स्ट आप नया विंडो इंस्टॉल। यहाँ देखिए हार्ड डिस्क आ गई। अब नया अगर आपका कंप्यूटर रहेगा तो एक ही हार्ड डिस्क अनपार्टीशन करके आएगा, वहां पार्टीशन बनाना रहेगा। ये एक्चुअली पुरानी है हमारी जिसमें ऑलरेडी विंडो था, उसको हम डिलीट करेंगे पहले पार्टीशन, फिर से नया हम पार्टीशन बनाएंगे। ये देखिए अनपार्टीशन स्पेस आ गया, अब यहां से पार्टीशन आप बना सकते हैं। तो पार्टीशन बनाते हैं, उसके साथ सिस्टम रिजर्व पार्टीशन बन जाता है, बाकी पार्टीशन आप चाहो तो बाद में बना लो डिस्क मैनेजमेंट में जाके, चाहे तो अभी बना लो आपके ऊपर है, ठीक है। और फर्स्ट पार्टीशन को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको फॉर्मेट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां जस्ट क्लिक कर देना हमें, सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए और जो भी पार्टीशन सेलेक्टेड रहेगा उसमें इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पर राइट इंग्लिश इंडिया रहेगा, और यहाँ पे हमें लेआउट सेलेक्ट करना रहेगा, ये ऑटोमेटिक आता रहेगा, हमें कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए। ये सेटिंग करना रहता है यहाँ पर, बस आप पीसी का नाम जो भी आप यहाँ नाम देंगे वही, जब आप का पीसी रेडी हो जाएगा तो वही आपका यूजर, वही आपका कंप्यूटर नेम बनेगा। तो आप कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं और ये पासवर्ड आप दे सकते हैं, आप चाहे तो पासवर्ड स्किप कर दीजिए चाहे तो दे दीजिए। ये आपका डेस्कटॉप आ गया है, रेडी हो गया।